Good morning, my brilliant students and faculty members who are watching the channel of Loya College Churu. आज के इस व्याख्यानमाला में एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. चूंकि हमारे लोया कॉलेज में स्पेशलाइजेशन जो है वो एंटोमोलॉजी में है और एंटोमोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में जनरल क्लासिफिकेशन है, सेकंड यूनिट में ऑर्डर का अप टू फैमिली तक क्लासिफिकेशन है, थर्ड यूनिट में हेड थोरेक्स और एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है, फोर्थ यूनिट में सारे सिस्टम्स हैं और लास्ट यूनिट में रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, टाइप्स ऑफ लार्वी, टाइप्स ऑफ प्यूपी. इस तरह ये टोटल सिलेबस पाँच यूनिट में कंपाइल किया गया है. तो पहली यूनिट का जनरल क्लासिफिकेशन का जो सर्वे है उसमें मैं आज आपसे चर्चा करूंगा. अब क्वेश्चन है कि इंसेक्ट क्या है. हाँ, एक इंसेक्ट में क्या क्या लक्षण होने चाहिए. क्लास इंसेक्टा. हाँ, इंसेक्टा शब्द जो है ये लैटिन भाषा के इंसेक्टस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है टू कट और डिवाइडेड. क्योंकि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. हेड के ऊपर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और सिंपल आई जिसको ओसिलाई भी कहते हैं वो पाई जाती है. थोरेक्स में तीन जोड़ी टांगे और एक अथवा दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं. एब्डोमेन के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाए जाते हैं जो फीमेल इंसेक्ट में एग लेइंग और एग डिपोजिशन के पर्पज के होते हैं, जिनको ओविपोस्टर के नाम से जाना जाता है. और नर में ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया शुक्राणु के ट्रांसफर से संबंधित होते हैं. ये एक जैसे हाइपोथेटिकल फिगर जैसे दिखाया है. इसमें इंसेक्ट बॉडी है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन. हेड जो होता है ये सिक्स सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है. थोरेक्स में तीन सेगमेंट्स मिलते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स. और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होते हैं. लास्ट के जो सेगमेंट्स हैं ये गोनोफाइसिस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह ये एक बॉडी प्लान है एक इंसेक्ट का. तो इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. इनमें रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा अथवा स्पायरिकल्स के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन बाय मेलपिजन ट्यूबुल. दे आर यूनिसेक्सुअल. मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ लार्वल स्टेजेस. क्यों इंसेक्ट में जनरल डेवलपमेंट है वो इनकम्प्लीट, ये इनडायरेक्ट टाइप का होता है. लेकिन कुछ इंसेक्ट है सिल्वर फिश वगैरह है जैसे लैपिशमा, इसके अंदर कोई लार्वल प्यूपल स्टेजेस नहीं होती है और इनके इमेच्योर जो होते हैं वो दिखने में एडल्ट के जैसे ही होते हैं. केवल उनकी जो बॉडी की शेप और साइज है उसी में फर्क होता है. तो ये कुछ जनरल फीचर है क्लास इंसेक्ट के. ये इंसेक्ट का, क्लास इंसेक्ट का एक ग्राफिकल फिगर है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन इसके अंदर दर्शाया गया है. क्लास इंसेक्टा में दो सब क्लासेस होती है, एक तो एप्टेरिकोटा और टेरिकोटा. एटेरिकोट जो होते हैं इनके अंदर पंख एब्सेंट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस की बेसिस पे इनको एमाटावोला का नाम भी दिया है. जबकि क्लास टेरिकोटा में पंख पाए जाते हैं और इनको मेटावोला के नाम से दर्शाया गया है. सब क्लास जो एप्टेरिकोट है इसके अंदर पांच ऑर्डर्स होते हैं, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, आर्कियोग्नेथा और थाइसिन्यूरा. टेरिकोट जो है इसके दो डिविजन्स हैं, एक्सोटेरिकोट और एंडोटेरिकोट.
ये पंखों की ओरिजिन की बेसिस पे है, पंखों की लोकेशन और अटैचमेंट की बेसिस पे है। एक्सोटेरिगोट्स के अंदर टोटल 18 ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर क्रम से जिसमें ओडोनेटा, एफिमीरोप्टेरा, प्लीकोप्टेरा, एम्बाइटिना, हेस्मीडा, ऑर्थोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया, आइसोप्टेरा, ब्लेटेरिया, मेंटोइडिया, जोराप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफेगा, एनोप्लूरा, थाइसेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा और होमोप्टेरा। इसी तरह एंडोटेरिगोट के अंदर टोटल 9 ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर क्रम से कोलियोप्टेरा, स्टेप्सिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, मीकोप्टेरा, डिप्टेरा, साइफोनोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हाइमिनोप्टेरा। फर्स्ट ऑर्डर एटेरिगोट या एमेटाबोला। एटेरिगोट्स जो है इंसेक्ट, दे आर प्रीमिटिव लिविंग लेश, प्राथमिक रूप से पंगविहीन होते हैं। एक्सेप्ट फॉर साइज डिफरेंसेस एंड द प्रेजेंस ऑफ जेनिटेलिया एंड गोनेट्स, देर आर नो मेजर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन इमेच्योर एंड मैच्योर। तो इमेच्योर और मैच्योर के अंदर, इमेच्योर और अडल्ट के अंदर केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाकी इसमें कोई बाहर से कोई डिस्टिंक्ट डिफरेंस है वो इसके अंदर दिखाई नहीं देते। सो दे आर एमेटाबोलिक और एमेटामॉर्फिक। तो इसमें जो कायंत्रण होता है इसको एमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब जैसे एडल्ट सिल्वर फिश है और सिल्वर फिश का जो इमेच्योर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सपर्टाइजेशन जिनका होता है, वही इसको क्या पहचान सकते हैं। ये इसके अंदर ये 5 ऑर्डर है, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा, आर्कियोग्नेथा और थाइसिनूरा। ये इसका क्लेडोग्राम जैसे दिखाया गया है, क्लास इंसेक्टा। इसके अंदर एक्टोग्नेथस और एंटोग्नेथस इंसेक्ट है। एंटोग्नेथस के अंदर ये 3 ऑर्डर है, डिप्लूरा, कोलम्बोला, प्रोट्यूरा। एक्टोग्नेथस के अंदर ये 3 ऑर्डर है, आर्कियोग्नेथा, थाइसेन्यूरा और टेरिकोटा। अब यहाँ पर ये जो 5 ऑर्डर है ये विंगलेस है, इसलिए इसको ए टेरिकोटा के अंदर रखा गया है। और जो लास्ट जो है ये टेरिकोटा है। टेरिकोटा में फिर 2 सब डिविजन्स आएंगे, एक्सोटेरिकोट और एंडोटेरिकोट। तो ये एक इसमें क्लेडोग्राम दिखाया है। अब इसमें एक एक ऑर्डर के में जनरल फीचर्स है, क्योंकि आपके जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो केवल ऑर्डर तक है, फैमिली तक नहीं है। सेकेंड यूनिट में 7-8 ऑर्डर है जिनका फैमिली तक अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा कहता है फर्स्ट टेल। इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट है उनके मुख्य जो करेक्टर्स हैं, बॉडी इज माइन्यूट, इलोंगेटेड एंड व्हाइटिश इन कलर, माउथ पार्ट्स आर सकिंग टाइप, आईज एंड ओसिलाई एब्सेंट, एंटीना एब्सेंट, स्यूडो ओसिलाई मे रिप्रेजेंट, वेस्टिजियल एंटीनी मे बी प्रेजेंट, विंग्स आर एब्सेंट, लेग्स में फर्स्ट पेयर इन एलिवेटेड पोजिशन, टार्साई एक सेगमेंट वाली होती है, एम्पोडियम प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन शॉर्ट विथ बाइलेटरल स्टाइलाई ऑन फर्स्ट 3 सेगमेंट, 12 सेगमेंट्स इन अडल्ट, 8-11 सेगमेंट्स इन इमेच्योर, सरसाई इज लैकिंग। ये इसका इंसेक्ट का जैसे फिगर दिखाया, एक एक में एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। तो ये फर्स्ट टेल का इस ऑर्डर का जो इंसेक्ट है उसका एक फिगर यहाँ पर जैसे शो किया है। सेकेंड ऑर्डर इज कोलम्बोला। कोलम्बोला के अंदर स्प्रिंग टेल जो है इंसेक्ट उनको शामिल किया गया है। बॉडी इज माइन्यूट, ट्यूबुलर और ग्लोबस, माउथ पार्ट्स आर शिविंग टाइप एंड एंटोग्नेथस टाइप, आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई एंड ओसिलाई एब्सेंट, आई पैचेस कंसिस्ट ऑफ 1-7 लेटरल ओसिलाई, एंटीना शॉर्ट टू लॉन्ग, 4 सेगमेंटेड,
समटाइम 5 or 6 सेगमेंटेड, विंग्स आर एब्सेंट, लेग्स फर्स्ट वेयर इन एलिवेटेड पोजिशन, डार्साइ 1 सेगमेंटेड, एम्पोडियम प्रेजेंट, एब्डोमेन शॉर्ट बायलैटरल स्टाइलाई ऑन फर्स्ट 3 सेगमेंट, 12 सेगमेंट इन अडल्ट, 8 to 11 सेगमेंट इन इमेच्योर एंड सरसाई इज लैकिंग। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये स्प्रिंग टेल का चित्र है। इसमें थर्ड ऑर्डर इज डिप्लूरा। डिप्लूरा का अर्थ है कि 2 प्रोलॉन्ग्ड ब्रिसल टेल्स, तो इसमें ब्रिसल टेल पाई जाती है इसलिए इसको डिप्लूरा नाम दिया है। बॉडी इज माइन्यूट टू मीडियम साइज, व्हाइटिश इन कलर, माउथ पार्ट सीविंग एंड एंटोगनेथस टाइप, आईज एंड ऑसिलाई एब्सेंट, एंटीना लॉन्ग एंड फिलीफॉर, विंग्स एब्सेंट, लेग्स 1 सेगमेंटेड टर्साइ विद 2 क्लॉज, इन एब्डोमेन 10 विजिबल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, सरसाई यूजुअली फोर शेप लाइक, लॉन्ग कॉडल फिलामेंट प्रेजेंट, स्टाइलाई प्रेजेंट ऑन फर्स्ट 7 सेगमेंट और 2nd to 7 सेगमेंट। ये फिगर आप देख रहे हो ये ब्रिसल टेल का, ब्रिसल टेल का जैसे फिगर ये यहां पर शो किया है। नेक्स्ट ऑर्डर इज आर्कियोग्नेथा। आर्कियोग्नेथा के अंदर जंपिंग ब्रिसल टेल जो होते हैं ये इंसेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके जो मुख्य करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, बॉडी इज स्मॉल इलोंगेटेड कवर्ड विथ माइन्यूट स्केल्स, माउथ पार्ट चीविंग एंड एक्टोगनेथस टाइप, मैक्सिलरी पल्प 7 सेगमेंटेड, आईज एंड ऑसिलाई लार्ज कॉन्टिगुअस कंपाउंड आई, 3 ऑसिलाई प्रेजेंट, एंटीना इलोंगेटेड एंड फिलीफॉर्म, विंग्स एब्सेंट, इन लेग्स कॉक्सी ऑफ मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स विथ स्टाइलाई, 2 or 3 सेगमेंटेड टर्साइ विथ 2 क्लॉज, एब्डोमन स्मॉल बायलेटरल स्टाइलाई ऑन वेंटर ऑफ सेगमेंट 2 to 9, 3 वेंट्रल स्क्लेराइट मीन्स कोक्सापोडाइट एंड ए सेंट्रल स्टर्नल प्लेट ऑन सेगमेंट 2 to 7, फीमेल विथ लॉन्ग जॉइंटेड ओविपोस्टर। ये फिगर जो है ये जंपिंग ब्रिसल टेल्स का यहाँ पर जैसे दिखाया है। नेक्स्ट ऑर्डर इज थाइसिन्यूरा। थाइसिन्यूरा में सिल्वर फिश जो है इसको इंक्लूड किया गया है। बॉडी इज स्मॉल इलोंगेटेड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, हेड एंड थोरेक्स ब्रॉडर, हेड और थोरेक्स एब्डोमेन तुलना में चौड़े होते हैं, यूजुअली कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल्स के द्वारा ढके रहते हैं, माउथ पार्ट्स चीविंग एंड एक्टोगनेथस टाइप, मैक्सिलरी पल्प इज 7 सेगमेंटेड, 2 आर्टिकुलेशन बिटवीन ईस्ट मैंडिबल एंड हेड कैप्सूल, रिगार्डिंग आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई यूजुअली प्रेजेंट बट स्मॉल एंड वाइडली सेपरेटेड, ओसिलाई 0 or 3, एंटीना इलोंगेटेड फिलीफॉर्म एंड मल्टी सेगमेंटेड। विंग्स एब्सेंट, लेग्स 2 to 5 सेगमेंट टार्साइ, 2 or 3 क्लॉज, एब्डोमेन 11 सेगमेंटेड बट टर्मिनल सेगमेंट रिड्यूस्ड, सेगमेंट 2 to 7 पजेज ए पेयर ऑफ कॉक्सापोडाइट, फीमेल हैव एन इलोंगेट जॉइंटेड ओविपोस्टर, सरसाइ विथ मैनी सेगमेंट्स, इलोंगेट मीडियन कॉडल फिलामेंट प्रेजेंट। तो ये एप्टेरिगोट में कुल 5 ऑर्डर है और एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में ये पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में पूछे जाते हैं। अब इस व्याख्यान का जो सेकंड पार्ट है टेरिकोट, टेरिकोट में भी 2 डिविजन्स आएंगे, एक्सोटेरिकोट एंडोटेरिकोट, इस पे मैं अगले
व्याख्यान में आपसे मैं चर्चा करूंगा। विशेषकर जो एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट है, एमएससी फाइनल के स्टूडेंट, चूंकि क्लासेस लगना अभी लगता है मुझे संभव नहीं हो पाएगा कम से कम 2 महीने तक, तो बच्चों को अपडेट रखने के लिए, बच्चों को एंटोमोलॉजी के नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इन व्याख्यान वालों का आयोजन किया जा रहा है। और आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप निसंकोच व्हाट्सएप के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, ईमेल के द्वारा, पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।